तो हरे कृष्णा एवरीवन, हम शुरू कर रहे हैं कौन सा, तो इंडस रिवर सिस्टम से आगे जाते हैं, हिमालय रिवर सिस्टम से आगे जाते हैं इंडस में। अब हम इंडस को देखेंगे। अरे सब बिगड़ जाएगा वैसे, क्यों कर? हम चलते हैं इंडस सिस्टम में, है ना। ये है इंडस रिवर। एक एक करके सारी नदियों को वापस कवर करेंगे, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया हुआ है, पर डिटेल में नहीं किया ना, डिटेल में करेंगे ना। ओके, तो डिटेल में कर रहे हैं हम नदियों को। हाँ, तो ये रहा नदी और ये रहा इसका डिटेल, इंडस रिवर। क्या हुआ? इट फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो, नदी को बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये लो नॉर्थ, ये लो ईस्ट, ये लो साउथ और ये लो वेस्ट, और ये फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ, तो बिल्कुल तो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिखाता हूँ मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ फ्लो कर रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? यहाँ बनाओ 0 0, और यहाँ बनाओ नॉर्थ, यहाँ बनाओ ईस्ट, यहाँ बनाओ साउथ और यहाँ बनाओ वेस्ट, और ये नदी को देखो कहाँ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना, बोलो। हाँ, कर तो रहा है। ओके, इसका सोर्स कहाँ है? कोई ग्लेशियर से आता है क्या? हाँ, तो कैलाश से ही आता है। अच्छा, कैलाश से आता है, इसके नदन कैलाश से आता है बेसिकली, नॉर्थ वाले कैलाश वाले, जो कैलाश का पर्वत है ना, कैलाश रेंज तिब्बत मानसरोवर लेक के पास, ठीक है, तो वहाँ उसके नॉर्थ वाले पार्ट से आता है, ठीक है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। इसका जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है, और इसका जो टोटल ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ड्रेनेज एरिया ठीक ठाक है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज है ना, और इसका जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर का है लेंथ। नाउ आफ्टर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर, इट्स फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जांस्कर रेंज। अब जैसे ही ये जम्मू और कश्मीर में एंटर करती है नदी, तो ये फ्लो करती है जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जांस्कर रेंज से। अब जांस्कर कहाँ है, तो दिखाता हूँ मैं जांस्कर और लद्दाख कहाँ है। सो दिस इज़ द लद्दाख रेंज, दिस इज़ द जांस्कर रेंज। ओके ओके, तो काराकोरम का एक्सटेंशन है ना। हाँ, इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख एंड गिलगिट, और फिर ये लद्दाख में भी जाता है, गिलगिट में भी जाता है। गिलगिट कौन सा है, लद्दाख कौन सा है? सो दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ गिलगिट, है ना। हाँ, ये तो है। तो कह रहा है कि इसका जो सोर्स है वो कैलाश रेंज है, नंगा पर्वत तक जाता है, ठीक है। उसके बाद 2900 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है इंडस रिवर सिस्टम, लद्दाख और जांस्कर रेंज को फॉलो करता है, बाद में ये लद्दाख और गिलगिट होकर जाता है। तो लेक पूछे तो मानसरोवर है, लेक कौन सा है, मानसरोवर, और ग्लेशियर पूछे तो कैलाश रेंज का है, ठीक है। और ये कहाँ तक है, तो नंगा पर्वत तक। कहाँ तक है, तो नंगा पर्वत तक। नाउ इसको क्लियर कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए, तो ये लिख लो ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ड्रॉप करके, और इसको पूरा लिख दो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रुक करके लिखने के बाद, नेक्स्ट इसको भी लिख ही लो, फिर पढ़ाते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी जेंटल। अब जम्मू और कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो मतलब इस तरीके का नहीं है कि एक यहाँ पहाड़ ऐसे बना है तो ऐसे ढल गया है और इस पे पानी नदी गिर रही है ना, ऐसा है, ये पहाड़ है ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब हल्का सा ढलन है, ग्रेडियंट जो है उस स्लोप का जो वेरी जेंटल है ना, मतलब कितना है, तो 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब लगभग 2 फीट 3 फीट के आसपास 1 किलोमीटर में, ठीक है, 3 फीट के आसपास 1 किलोमीटर में स्लोप है। द एवरेज एलिवेशन एट विच इंडस फ्लो इज़ अबाउट 4,000 मीटर अबव सी लेवल। अब जहाँ पे इंडस बहती है वो लगभग सी लेवल से 4,000 मीटर ऊँचा पे बहती है, ये इसका एवरेज एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हाइट है, हाइट हाइट 4,000 मीटर ऊँचा पे बहती है। और ये रहा इंडस रिवर सिस्टम, और इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब इंडस रिवर सिस्टम में कुछ और देखते हैं, जैसे इट
इट इज़ ज्वाइंड बाई जांस्कर रिवर एट ले। ले में जांस्कर इसको ज्वाइन करती है। मैं जांस्कर दिखा दूँ, तो ये रहा जांस्कर और ये रहा जांस्कर। ले में जांस्कर इसको ज्वाइन कर रही है। ओके नाउ आगे दिखाता हूँ कि आगे कौन सा रिवर ज्वाइन। नियर स्कर्दू इट इज़ ज्वाइन बाई स्योक। अब इधर से जांस्कर ज्वाइन कर रही थी, उसी के सामने स्योक ज्वाइन करती है एट एन एलिवेशन ऑफ 2700 मीटर। इसका हाइट कितना होता है जहाँ स्योक ज्वाइन करती है? तो 2700 मीटर। आजकल ऐसा ही पूछ रही है एग्जाम में, है ना। और ये दिस काइंड ऑफ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मतलब UPSC BPSC दोनों प्रीलिम्स में ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ द गिलगिट, गारतंग, द्रास, सिगार, हुंजा आर द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ये सब हिमालयन के ट्रिब्यूटरी है कि गिलगिट दिखाया था कि गिलगिट रीजन से आ रहा है। गारतंग, द्रास, सिगार, हुंजा। नाउ काबुल रिवर, काबुल कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है। ज्वाइन करती है इंडस को अटक के पास, ठीक है। अटक कहाँ है? तो जहाँ इंडस को काबुल ज्वाइन करती है। कटक कहाँ है? कटक मैंने कल दिखाया था। हाँ कटक आपने कल दिखाया था, ओके। तो अटक से कटक तक ज्वाइन करती है, अटक में ज्वाइन करती है काबुल। एंड देयर आफ्टर इट फ्लोज थ्रू द पोटवार प्लेट्यू, और फिर बाद में ये पोटवार प्लेट्यू से होते हुए क्रॉस करती है साल्ट रेंज को। मतलब काबुल अटक में ज्वाइन करती है, फिर धीरे धीरे पोटवार प्लेट्यू को पार करती है और क्रॉस करती है साल्ट रेंज को, जो कि साउथ ईस्ट है। किसका? पोटवार प्लेट्यू का। ये पोटवार प्लेट्यू है और इसका साउथ ईस्ट में, दक्षिण में है। अब ये दक्षिण यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, अरे भाई इस तरीके से बनेगा। ये है साउथ, ये है ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कहाँ गया? साउथ ईस्टर्न इज पोटवार प्लेट्यू में, साल्ट रेंज। इसको बोलते हैं साल्ट रेंज, ठीक है। जस्ट अबव मेथनकोट द इंडस रिसीव द पंज नद। और ये जो मेथनकोट है, यहाँ से इसके थोड़ा सा ही ऊपर पंचनद ज्वाइन करती है इंडस को, ठीक है। पंचनद किसको ज्वाइन करती है? इंडस को। और किसका किसका पानी रखती है वो पंचनद? तो पांच ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, पूर्वी ट्रिब्यूटरी। ईस्टर्न समझ में आता है ना, नदी ऐसे जा रही है, तो ईस्ट से पांच नदियां ज्वाइन कर रही है। झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज, ठीक है। द रिवर एम्पटीज इन टू अरबियन सी। और ये पूरा इंडस रिवर कहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है? अरब सी में, साउथ ऑफ क्या ये? कराची। आफ्टर फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा। और इतना सेडिमेंट लेकर के जा रही तो डेल्टा तो बनाएगी। डेल्टा क्या होता है? डोंट वरी, डेल्टा हम बताएंगे। अभी ये खाना खा करके आना, गला बस रहा है। ओके तो इसको लिख लीजिए कि ये तीन पॉइंट एक साथ में। पाउज कीजिए वीडियो को, ऐसे क्लिक कीजिए पाउज, फिर वापस नीचे प्ले कीजिए, फिर नीचे क्लिक कीजिए पाउज, और ये लिख लीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे वाह, आपको तो याद रहता है कि रेड में आता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करने के बाद कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा या ब्लू? ए भाई ब्लैक हो जाएगा। ओके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नाउ शेयर किसको करना है? फ्रेंड्स को। ओके सर मेरा भाई है उसको शेयर कर दूँ? हाँ कर लो, स्टेटस लगा दो, लगा लो। नाउ ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम ख़त्म। अब हम देखते हैं आगे का रिवर सिस्टम, लेकिन आगे का रिवर सिस्टम आगे के वीडियो में। तो यहाँ तक हमारा सफ़र ख़त्म होता है, आगे का सफ़र अगले वीडियो में शुरू होगा। वो अगले वीडियो एक दिन दो दिन बाद आएगा। तो बोलिए हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा बोलिए।